प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय सु। स्वागत है और एक बार आपका इस स्तुति और आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करें। प्रियो, बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2:1 में, वहां से हम पढ़ते हैं पेंतेकोस के दिन के बारे में। क्या हुआ था पेंतेकोस के दिन? लिखा हुआ है, जब पेंतेकोस का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी। सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। और उसके बाद हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, शिष्य लोग आनंद से परिपूर्ण थे, सहनशीलता से परिपूर्ण थे। हम प्रेरित चरित्र में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पता लगेगा, उनको मारा गया, उन पर कोड़े बरसाए गए, उनको महासभा के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, लेकिन वे डरे नहीं, वे घबराए नहीं, बल्कि आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि शिष्य इसलिए आनंदित होकर वहां से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण सताए गए थे। तो दुख उनके लिए आनंद में बदल गया। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि पवित्र आत्मा आ गया था। पवित्र आत्मा जब तक नहीं आया था, चेले डरे हुए थे, घबराए हुए थे। पेत्रुस ने कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, तो सब के सब मछली पकड़ने चल दिए। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर यीशु के बारे में प्रचार करें। लेकिन क्या हुआ, सब जब इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, पेंतेकोस्त हुआ और उसके बाद वे यीशु के बारे में गांव गांव जाकर, घर घर जाकर बताने लगे, सभाओं में बताने लगे, महासभा में बताने लगे। राजाओं शासकों से, किसी से नहीं डरते थे वो, किसी से घबराते नहीं थे। वो कहते थे हमें मार डालो, और कितने ही चेलों को मार डाला गया, कितने ही शिष्यों की हत्या कर दी गई, गले काट दिए गए, उनको तेल में तल दिया गया, उनको जो तवा होता है उस पर लिटाकर उनको सेका गया, तलवार से काट दिए गए, जला दिए गए, पत्थरों से मारे गए। लेकिन वे घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था। स्टेफनुस को लोग पत्थर मार रहे थे, तब भी वो आनंदित था और कहता है कि मैं परमेश्वर को देख रहा हूं। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा था। तो पवित्र आत्मा जब हमारे दिल में होता है, हम आनंदित होते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसके बारे में और अधिक बात करेंगे। इस समय हम एक सुंदर गीत गाएंगे, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। बड़ी भक्ति के साथ तालियां बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करें। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। गाएं, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है मैं नाचूंगा आनंद से।
मैं नाचूंगा आनंद से, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं झूमूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं झूमूंगा आनंद से। मैं झूमूंगा आनंद से। मैं झूमूंगा ताली बजा के। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। हालेलुया हाथों को हिला के। हालेलुया गाओ। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं झूमूंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा आनंद से। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हे परमेश्वर हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है। तू भला चरवाहा है। तू दाखलता है। हम डाली हैं। तू मेरा ईश्वर है। तू मेरी चट्टान है। तू मेरा बल है। तू मेरा गढ़ है। मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे पास आए हैं। हम पर दया कर। हम पर तरस खाइए। हमारी पुकार को सुनिए। आइए यीशु, दया कीजिए। हालेलुया। 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 यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया। 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 प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद।
मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। कहिए, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। कहिए, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। फिर से, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। फिर से एक बार, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आ। बार बार गाते जाइए, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना ले। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। जीवित, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। 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 बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा जब आते हैं तो हमारी जिंदगी ही पलट देते हैं। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, पवित्र आत्मा एक सहायक है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा। तो पवित्र आत्मा को सहायक बोलते हैं, सलाहकार, एडवोकेट, है ना, हेल्पर, अ हेल्पर। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, कोई शक्ति नहीं है। पवित्र आत्मा व्यक्ति है, ईश्वर का तीसरा रूप है। जब वो आते हैं तो हमारे साथ साथ रहते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे जीना है, कैसे चलना है, प्रभु को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम लिखना है, है ना। हर चीज में प्रभु सहायता करना चाहता। एक बार मैंने सुना, एक पुरोहित जो कि पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, और पवित्र आत्मा ने एक दिन उनसे कहा कि अपना ब्रश बदल लो क्योंकि आपका ब्रश
पुराना हो गया है। सच में ऐसा करता है पवित्र आत्मा, आपकी छोटी छोटी बातों का पवित्र आत्मा ध्यान रखता है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने एक महान व्यक्ति के बारे में सुना होगा, हमारे भारत के ही है, उनका नाम DGS दिनाकरन है। तो वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा उन्हें पल पल अगुवाई करता था, पल पल उनके साथ रहता था और उन्हें बताता था कि क्या करना है। जब उनकी कार पुरानी हो गई तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा अपनी कार बदल लो, आप पढ़ेंगे तो एक एक चीज का पवित्र आत्मा ध्यान रखता है। आप पाप करने की ओर बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे कहेगा ना इस पथ पर नहीं जाना है, ये पाप नहीं करना है। लेकिन अगर आप उसकी आवाज नहीं सुनेंगे, अगर आप उसकी आवाज को नकार देंगे तो क्या होगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करना बंद कर देगा, आपको प्रेरणा देना बंद कर देगा। इसलिए संत पौलुस कहते हैं वचन में कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें। प्रेरित चरित में आप उदाहरण उठाइए, जब पौलुस कहीं प्रचार करने के लिए जाना चाहता था तो पवित्र आत्मा ने उसे मना किया कि वहां पर मत जाना। तो पवित्र आत्मा हमसे बातें करते हैं, पवित्र आत्मा हमें संचालित करते, प्रेरणाएं देते। कई ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं दुनिया में जिन्होंने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर महान महान काम किए, असंभव काम किए हैं, जो सोच भी नहीं सकता, जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। ऐसे ऐसे काम किए हैं महान लोगों ने, क्योंकि वे पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाए, पवित्र आत्मा ने उन्हें संचालित किया। तो एक एक चीज का पवित्र आत्मा आपके लिए ध्यान रखेगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके साथ है, एक एक बात का पवित्र आत्मा ध्यान रखेगा। और पवित्र आत्मा चाहता है कि आपकी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखे और आपका साथ दे। केवल ये मत सोचिए कि प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा उतर आता है और बाद में चला जाता है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा, प्रभु येसु ने क्या कहा कि मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। कहां रहेगा? सदा तुम्हारे साथ रहे। अगर आप सो रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप चल रहे हैं पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप गाड़ी में पवित्र आत्मा आपके साथ है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि केवल प्रार्थना करते हैं, गाना गाए, पवित्र आत्मा आ जाओ तभी पवित्र आत्मा उतरता है। नहीं भाई, वो सदा साथ रहने वाला पवित्र आत्मा है। आप भी इस मनोभाव में जी रहे हैं कि पवित्र आत्मा केवल प्रार्थना करते समय आता है, तो ये गलत है। एक बार पवित्र आत्मा आपको दिया गया हो, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप कहीं जाएं, विदेश चले जाएं, पाताल में चले जाएं, इसलिए स्रोतकार कहते हैं 139 स्रोत में कहते हैं, मैं कहां भागकर तुझको अपने से छिपाऊं, यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं पाताल में जाऊं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, पहाड़ों पर जाऊं तो तू वहां है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पवित्र आत्मा जब दिया जाता है तो वो सदा हमारे साथ रहता है। बोलो हालेलुया। इसलिए ये धारणा नहीं रखनी है कि केवल प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा आता है, नहीं, सदा साथ है। और पवित्र आत्मा चाहता है कि आपके छोटे से छोटे कार्य में वो आपकी सहायता करे, लेकिन आपको उसको बताना होगा, आपको उसको मौका देना होगा कि वो आपकी जिंदगी में काम करे। इसलिए बड़े सावधान रहना है हमें। ये क्रिश्चियन जो हम जिंदगी जी रहे हैं ना, ईसाइत की जिंदगी, मसीही जीवन जो हम जी रहे हैं, ऐसा आसान नहीं है। पल पल हमें ध्यान रखना है। कई बार हम रेंडमली कुछ भी बोल देते हैं, अपनी जुबान से कुछ भी निकाल देते हैं, मजाक कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मसीही जीवन बड़ी भक्ति का जीवन है। मसीही जीवन एक आग है। मसीही जीवन पवित्रता का जीवन है। और अगर हम ऐसा नहीं जीते तो हम मसीह नहीं हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए, पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मुझे छू, टच में मुझे छू पवित्र आत्मा। भक्ति के साथ प्रार्थना करो। आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी को बदलेगा, आज पवित्र आत्मा आपका साथ देगा। एक बार उसे मांग कर तो देखो, एक बार उसे चांस दो, अपनी जिंदगी में काम करने के लिए पवित्र आत्मा को आमंत्रित करो। कहना, पवित्र आत्मा आइए, मुझे छुइए। पवित्र आत्मा जब आता है तो मन खुशियों से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। वही पवित्र आत्मा को आमंत्रित कीजिए, इस समय आमंत्रित कीजिए। कहना, पवित्र आत्मा उतर आइए, मेरे दिल में इस समय चले आ। शायद आज तक
मैंने तेरी प्रेरणाओं का दमन किया है, लेकिन आज से मैं नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। पवित्र आत्मा मुझे छू। दिल था वीरान थल, यीशु जीवन का जल। कहिए। दिल था वीरान थल, यीशु जीवन का जल। मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल, मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करिए, हालेलुया, हालेलुया। और एक बार मिलके हालेलुया, हालेलुया। बार बार गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग, सब लोग हालेलुया। छूलिया छूलिया यीशु ने, छूलिया छूलिया छूलिया। और एक बार मिलके छूलिया छूलिया यीशु ने, छूलिया गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ गाइए हालेलुया। मिलके हालेलुया, हालेलुया। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, गाइए। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है जमीन एक नया आसमां, एक नई है जमीन एक नया आसमां। दर खुला रूह में अब दिया राम का, हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 जीसस, हालेलुया। प्रभु की स्तुति कीजिए, हालेलुया। सब लोग मिलके हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया मुझको पाकी जगी मेरे यीशु ने दी मुझको पाकी जगी मेरे यीशु ने दी मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का रास्ता खुल गया फिर मुलाकात हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया अपने हाथों को उठा के हालेलुया मिलकर गाओ हालेलुया यीशु 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 हालेलुया झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया 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 यीशु ने झूलिया जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 तेरी महिमा सब लोग हालेलुया हालेलुया प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस समय इन तमाम लोगों के लिए जो इस आराधना में स्तुति में भाग ले रहे हैं प्रभु इन्हें छू इन्हें पवित्र आत्मा के दानों वरदानों से भर दे पवित्र आत्मा इनके साथ रहे जैसे मूसा के साथ रहा जैसे दाऊद के साथ रहा जैसे शिष्यों के साथ रहा पवित्र आत्मा तू सदा अपने बच्चों के साथ रहे इनके पापों इनकी गलतियों को क्षमा कर प्रभु सब पर करुणा करने वाले परमेश्वर दया कर कृपा कर आशीष दे तेरी शांति इनके दिल में इस समय उतर आए तेरा प्यार इस समय इनके दिल में उतर आए तेरी दया इस समय इनको मिले प्रभु दया कर यीशु दया कर प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह नाजरी के नाम पर हम मांगते हैं बोलिए आमीन आमीन अपनी आंखें खोलें प्रियो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहे हैं आप इस पर कांटेक्ट करके आपकी गवाही आपके निवेदन आप प्रार्थना भवन टीवी टीम को आप भेज सकते हैं प्रभु आप सभी को बड़ी कृपा और आशीष दे जय यीशु